अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक ऐसे परिवार के घर में हूँ जिसका एक बच्चा, क्या नाम आपका? अहद नाम है इसका। ये देख सकते हैं चल नहीं सकता और माजूर है, और इस फैमिली में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इनके वालिद का इंतकाल हो गया था और बहुत साल हो गए हैं वालिद का इंतकाल हुए हुए भी, और 2 मार्च को इनके घर में शादी है, इनकी बहन की शादी है, इस घर की जो बड़ी है उनकी बिटिया की शादी है, लेकिन इनके घर में अभी कुछ भी सामान नहीं है। 2 मार्च सिर्फ 4-5 दिन बचे हैं, और सामान के नाम पे आप देख सकते हैं सिर्फ ये सामान है जो कि सामान लोगों ने दिया है, और हमारे एक दोस्त हैं साहब भाईजान ने मोहम्मद मोहसिन भाई, और हमारे दोस्त हैं कारी साहब, उन्होंने बताया था कि फैमिली है बहुत ज्यादा गरीब है। साहब क्या तकलीफें हैं, थोड़ा करीब आ रही है, क्या क्या तकलीफें इस घर में? तकलीफ ये है कि भाई किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके जो है कोई देखने वाला नहीं है, लेडीज ही काम खुद करती है कंपनी वगैरह में जो है, और उसी से जो है अपना गुजारा किसी तरह से, 5-6 बच्चों का गुजारा करना आज के दौर में जो महंगाई की दौर चल रही है, ये आप खुद भी समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे 4-5 हजार में, जबकि ये किराए पे रह रहे हैं। 2 मार्च को शादी हुई जी, 2 मार्च को जो, और हमने ये कोशिश की है कि जितने भी यतीम बच्चे हैं, और हमारी ये कोशिश जारी भी है उसके ऊपर कि जहाँ से और हमसे जहाँ तक भी हेल्प हो सकता है कि दूसरों से कहे कि या जो भी जानने वाले लोग हैं ताल्लुकात में लोग हैं, हमारी कोशिश है कि बच्चों का भी निकाह हो जाए और उनके साथ जो भी हेल्प हो जाए, अल्लाह से बस यही दुआ है हमारी। देखिए 2-3 बच्चे हैं, वो हाथ आप तो चल भी नहीं सकते ना, चलते हो आप? नहीं चल सकते आप? अच्छा, पढ़ाई करते हो आप? पढ़ाई करते हो? नहीं करते पढ़ाई? क्या चीज अच्छी लगती है आपको? मुझे पढ़ना अच्छा लगता है आपको? पढ़ोगे आप? आपके लिए कुछ सामान ला के दें, पढ़ने का सामान ला के दें? अच्छा माशाल्लाह, क्या खाओगे आप? फ्रूट में। आप बताओ क्या फ्रूट में क्या खाओगे? केले खाओगे? अच्छा हम तुम्हें पैसे देते हैं अभी, है ना, हम तुम्हें पैसे देंगे, इसका आप अम्मी से बोलना कि उनको आपको सामान ला के देना, है ना? अच्छे कार्ड साहब आपने बताया था ये घर है, आप देख सकते हैं इसकी माली हालत कैसी है, हमारी बहन है, बहन क्या तकलीफें हैं, और 2 मार्च की शादी है बिटिया की, क्या क्या आपने कुछ सामान इकट्ठा किया नहीं किया? 2-4 सामान जो है जो जानने वाले हैं जिनको मालूम है वही दिए गए हैं, बस वही सामान है जो देखा है आपने, और कुछ नहीं है मेरे पास। आप क्या करते हैं? मैं टोनिका में काम करती हूँ। मजदूरी करती हो जी? शोहर के इंतकाल को कितना साल हो गया? 20-22 साल। 20-22 साल से आप ऐसे ही अपने बच्चों को पाल रही हैं जी, और एक बच्चा आपका मजदूर भी है, चल नहीं सकता जी? नहीं, वो बिल्कुल चलता नहीं है। तो उसको इलाज में कितना खर्चा आता है? आप इलाज नहीं करा रहे? आप देख सकते हैं एक बच्चा माजूर है, और इसलिए इलाज नहीं करा रहे क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। 5-6 हजार रुपये महीना ये कमाते हैं, और उसमें 4-5 बच्चे हैं आपके, 4 बच्चे हैं, बिटिया है, और उसकी 2 मार्च की शादी है। बेहद ही अफसोस है। मैं तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे भाई मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि आप एक तंजीम बनाइए अपनी, अपने आसपास के इदारे, अपने आसपास के इलाके में देखिए, जवान तबका खड़ा होइए, ऐसे लोगों को ढूंढिए, अपनी महंगे मोबाइल खरीदना छोड़िए, अपनी जो काम कर सकते हैं कीजिए, महंगी गाड़ी खरीदना छोड़िए, लेकिन ऐसे लोगों की हेल्प के लिए तन मन धन से आप आगे आइए, ऐसे लोग आपकी आपकी मदद के मुस्तैक है। क्यों इमाम साहब, ये मैं गलत कह रहा हूँ? अगर हम अपने अगर हम अपने काम में कुछ कटौती कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो हमारा आखिरत का जरिया बनेगा। नहीं, बिल्कुल बेशक, और यही चीजें होनी चाहिए कि आदमी भाई इतनी रोजमर्रा के खर्चात और खर्च करते हैं, जिस तरह से शान शौकत के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि जहाँ वो फजूल खर्चे, जहाँ पे लोग आए दिन जो है ज्यादा से ज्यादा जो महंगा गाड़ियों में घूमते हैं और होटलों में खाना जाते हैं, और अगर हम उनमें से 2 रुपए या 3 रुपए बचा कर अगर हम रख कर और किसी गरीब की अगर हम मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है कि उनको भी एक सवाब मिलेगा और ये आखरत के उनके लिए एक जरिया भी बनेगा। अब इस गरीब
बच्ची भी क्या गुजर रही होगी, ये भी देखती होगी, इसके भी ख्वाब होंगे कि मेरी शादी हो, मेरी शादी में अच्छा अच्छा सामान मिले, मेरी माँ अच्छे से काम करे। लेकिन घर पे शोहर का साया होना भी बेहद जरूरी है मेरे भाई। ऐसे देखिए, और यतीम के सर पे हाथ रखना तो इतना बड़ा सवाब है कि जितने उसके सर पे बाल हैं, अल्लाह ताला इतने इतने नेकी आपके नामे अमाल में भर देगा। तो मेरे भाई आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को देखिए, आप मदद कीजिए उनकी। अभी जो हमसे मदद होगी इंशाल्लाह हम मदद करेंगे। मेरी बहन, ये अभी ये कुछ पैसा है, देखिए हमसे जो मदद हुआ भाईजान, हमने अभी फिलहाल ये 10,000 रुपया है, 10,000 से हम मदद कर रहे हैं। मेरी बहन, ये 10,000 रुपया है, फिलहाल रख लीजिए आप और थोड़ा सा सामान खरीद लीजिए इंशाल्लाह। और मैं फिर आऊँगा, इमाम साहब आप भी मदद करना चाहते हैं आप भी मदद कर दीजिए इंशाल्लाह, और मैं फिर आऊँगा। बेफिक्र रहिए, जैसे आप मेरी बहन है, मेरी गुड़िया है, मेरी बिटिया है, इंशाल्लाह तमाम लोग और देख रहे हैं, तो आप लोग आगे आइए, ऐसे लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। 2 मार्च की शादी है ना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 मार्च से पहले पहले आप इतनी मदद करेंगे इस गुड़िया की कि इसको किसी सामान की जरूरत नहीं होगी। माशाल्लाह आपने ये मेरे भाई, ये 3,000 आपने दिए माशाल्लाह, 3,000 आप पे, 13,000 रुपये होगी मेरी बहन। और इंशाल्लाह आप यकीन मानिए कि आपको कोई भी फिक्र नहीं, कोई भी वो नहीं होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ऐसे असबाब बना देगा कि आपकी बेटी आपके घर से हर सामान लेके जाएगी इंशाल्लाह। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों की मदद कीजिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और 2 मार्च की मेरी बहन की बिटिया की शादी है, गुड़िया की, और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।